हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज है डे टू और सुबह हो चुकी है, सुबह के बज रहे हैं 7। और जो वहाँ पे ये टेंट लगा है ना, यहाँ पे हो रही है शादी, तो हम ब्रेकफास्ट करने के बाद वहीं पे जाएंगे। आज हल्दी हाथ है। चिका क्या करनी चाहिए हम हैं, क्या करनी चाहिए ये और खेल, ये हम पता नहीं क्या करनी है। कनु पे चलन अब भारी गरी वेगी जिंदगी, कन पे खेचन आज भारी गरी वेगी जिंदगी। डाली डाली फूलों अरी जी ढबने रोटा चूना का आ गया ही बॉडी छनिम पानी खिला के क और गोरू तक खाना खिला के क और दूध लेके भी तो रोटियां बन चुकी है और हम जा रहे हैं पानी लाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे पानी की थोड़ी कमी होती है तो इसलिए हमें नीचे से लाना पड़ता है। पहले हम पंद्रह से लाते थे, थोड़ा जो नल है वो इधर ही थोड़ा सा दूर 800 मीटर दूर पे बना है, तो वहाँ से हमें पानी लेके आना पड़ता है और उसको हमें बड़ी टंकी में डालना पड़ता है, ताकि वो डोमेस्टिक यूज़ के लिए और जैसे ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी यूज़ होता है, तो उसको अलग अलग चीज़ों में कंटेनर्स में स्टोर करना होता है एज पर द वर्क और एज पर यूज़। और ये देखिए हम जा रहे हैं पानी लेने के लिए। तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हो पिजोर पिजोर मेरे पहाड़ को, हो पिजोर पिजोर मेरे पहाड़ को। एक बटे भर दो हम पानी और हम पैंट लेना खड़ा है छा या स्या। और ये अंजलि रावत पानी लाती हुई डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड। देखिए बल्ला कानी में चकुल बैठे गाइस। तो हम गोर चराने के लिए लेके जा रहे हैं, मतलब गायों को हम इनकी जो जगह है गौशाला उससे छोड़ के और नीचे कब छोड़ें, हाँ ऊपर जंगल है ना जहाँ घास उगा रहता है वहाँ पे लेके जा रहे हैं, तो वो एकदम फ्रीली खुद मतलब घास खाएंगे और जब मतलब शाम को आने का टाइम हो जाता है ना तो उनको लेके आएंगे। तुझको बुलाए इनकी ऐसे रस्सी खोलनी पड़ती है, ये खुद ऐसे जाते उन्हें खिले जाने में दगड़े की गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड। फाड़ दे खाया लोग कट गिल लगाई थी, तो ये जो पूरा बंच बना है ना लकड़ियों का इसको हमारे पहाड़ में बोलते हैं कटगिली, बेसिकली गढ़वाल में। सोच डांड अकबाटू मत्थी, ये है मेरी बचपन की स्कूल और इसके पीछे जो गांव दिखा है ना दैट इज कॉल्ड बुढ़िया गांव। और देखिए ये बिल्कुल सीरीज वाइज कैसे एकदम ओबीडियंट एनिमल की तरह चलते हुए, ये देखिए इसको बोलते हैं पलकुंड, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिखाया होगा। आस होता है ना तो उसको जमा करके उसका एक हीप स्ट्रक्चर इस तरह से पेड़ में बांध देते हैं ना, ये देखिए जो कि कभी जैसे घास की कमी पड़ती है या जब घास का सीजन नहीं होता है तो गाय भैंसों को यही दिया जाता है, तो ये स्टोर फॉर्म में है। और ये भी, और अब यहाँ से देखिए
पूरा एंटायर गांव हमारा है, जिसको हम बोलते हैं क्वाटापाली। और वो देखिए, वो जो दिख रहे हैं ना, इसी घर पे हम रुके थे। तो ये देखिए, ये गांव कितना खूबसूरत है। और जो हमारा घर है ना, ये जो टेंट लगा है और जो दूसरा टेंट लगा है ना पीछे, ये वाला, ये हमारे घर पे ही लगा है। तो गाइस, इसको हम मल्लेखवाल बोलते हैं, मतलब ऊपर का पार्ट, इसको बीच का पार्ट बोलते हैं। और जो ये वाला है ना, ये एरिया, ये होता है बामणखवाल, मीन्स जो बामण होते हैं ना पंडित, उनका एरिया है ये पूरा। गांव का जो एज है वो ख़त्म होता है इधर। और अगर हम आगे चलें, आगे चलें, तो ये देखिए, ये दूसरा गांव है, इसको बोलते हैं भरपूर। और ये देखिए नीचे खेतों में लोग काम करते हुए, ये देखिए हल लगाते हुए, ये देखिए सारा एग्रीकल्चरल फील्ड है। और ये देखिए हल लगा रहे हैं, ये भी हल लगा रहे हैं, इधर भी हल लगा रहे हैं, और सब खेतों में काम कर रहे हैं। और ये देखिए, ये है स्कूल। तो हमने गायों को यहाँ पे छोड़ दिया है चरने के लिए। तो जब 12 और 12:30 बजे बज जाते हैं ना दिन के, तो खुद वापस आ जाते हैं पानी पीने के लिए। तो इनको पूरा रूट रास्ता पता है, सिर्फ इनको छोड़ना पड़ता है यहाँ। ये देखिए, जो ये वाला घर है ना, जहाँ पे हमने स्टे किया था, ये वाला जो घर है, ये यहाँ पे हमने स्टे किया था। और इसके जस्ट बगल में परसों बाघ था, टाइगर। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिस्की भी होता है, लेकिन गांव के लोग मतलब बिल्कुल भी डरते नहीं हैं। उनकी तो दिनचर्या मतलब ऐसे ही, वो हैबिचुअल होते हैं और काफ़ी ज़्यादा बहादुर होते हैं। तो ये चीज़ें उनके लिए काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पे मतलब ऐसी प्रॉब्लम्स काफ़ी होती रहती है। मम्मी, वो देख भी, दोनों खड़े हो रखे हैं सामने। और इसके ना, जो ये वाला पार्ट है ना, इसके जस्ट यहाँ पे कल टाइगर था। ये देखिए कितनी ज़्यादा राख इसमें डाली गई है, क्योंकि ये नेचुरल खाद भी है और पेस्ट को कंट्रोल करने के काम आती है। हाँ दादी, हाँ मियाँ खिंचा। जो चौलाई होता है ना, तो उसका क्या होता है, एक तो हरी सब्जी भी बनती है, और दूसरा ये देखिए, इसको सुखा के इसको भी कूटना है, बेसिकली इसको बीट करना है, और इसमें से जो बीज सेपरेट होंगे ना, तो उसको नेक्स्ट सीजन के लिए बोना है। और सुना होगा ना चौलाई के लड्डू, तो वो इसी से बनते हैं। और वो जो लड्डू होते हैं ना, वो फास्ट में, व्रत में ऐसे खाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे कितनी सारी खेती होती है, बाहर से कुछ लाने की मतलब इतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, ना दालें, ना चावल, ना गेहूँ, ना सब्जियाँ। और एनवायरनमेंट एकदम प्रिस्टीन एनवायरनमेंट, मतलब कोई पोल्यूशन नहीं, कोई डस्ट नहीं, कुछ नहीं, और बीमारियाँ एकदम ज़ीरो। सबके सब खाना ऐसे ही खाते हैं यहाँ पे नीचे बैठ के। और सब्जी बनी है चूना का रोटा, मतलब मंडवे की रोटी, और उसके साथ यू लस पशु साग। अरे जो मर्च दिखानी थी ना, ये गारा की थी कुटी मर्च, मर्चू का अचार च। अरे यू अचार, यू मर्च ना गारा की थी, ये भी तो यू अचार बनी, बहुत टेस्टी। तो अब हम ये पानी गर्म कर रहे हैं नहाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे गीजर वगैरह नहीं होता है, यहाँ पे ऐसे ही पानी गर्म किया जाता है। ये थी मॉर्निंग एक्टिविटीज़ जो हर रोज़ लोग यहाँ पे करते हैं। तो ये मैंने आपको दिखाया ब्रेकफास्ट करने तक का। अब इसके बाद लोग घास लेने के लिए जाते हैं, खेतों में काम करने जाते हैं, और मतलब काफ़ी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं इन सारी चीज़ों से रिलेटेड, खेती से रिलेटेड। और मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊँगी हल्दी सेरेमनी हमारे पहाड़ों की। तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं।
और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या गांव की एक्टिविटीज़, खेत और अगर व्यू अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। ओके, बाय।